या मैं एक मिसाल देता हूँ आपको एक और। आप शिप पे थे और शिप तबाह हो गई और आप संभाव कुछ लोग एक आइलैंड पे आके फंस गए हैं। अब आप अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम लकड़ियाँ लेके आओ, तुम आग जलाओ, तुम जो है ना रस्सियाँ ढूंढ के आओ या पत्ते ढूंढ के आओ, तुम ये करो, पीपल विल नॉट बी हैविंग दैट ड्राइव टू गो बैक होम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट गाइस, डू यू मिस योर वाइफ, डू यू मिस योर मस्जिद, डू यू मिस योर पेरेंट्स, डू यू मिस योर किड्स, डू यू मिस योर बेड, सब कहेंगे यस वी मिस आवर बेड, एंड देन यू नो गो लेट्स डू द वर्क एंड देन यू लेट पीपल लीव, दे विल कम विद देयर ओन स्ट्रैटेजी। सो इस तरह से अगर औलाद के साथ जा रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वे गोइंग टू मरी या फिर नंदन एरिया जा रहे हैं, अगर हम कहते हैं बेटा बस गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, गाड़ी अगर ब्रेक डाउन कर जाए तो औलाद विल नॉट बी एबल टू यू नो गो आउट एंड अब्बा जी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बट इफ़ यू फैंटेसाइज गाइस वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप टू मक्का, आई यू नो मक्का इज अमेजिंग, मक्का इज काबा, मक्का इज लबन, मक्का इज you know Hijr Ismail and Makkah is Mataf as well. You talk about Makkah and Makkah and Makkah and then you go to a road trip. Agar aapki gaadi break down kar gayi raaste mein, sare bachche uth ke tire change karwa rahe honge because they believe in the vision and destination. Strategy, in other words, aap ye keh rahe hain ki leadership leader hota hai jo vision bilkul, deta hai. Bilkul, leader zaruri nahi hai ki wo actual mein uske yani usko perform bhi kar raha ho, actual mein leader ki taraf se vision aata hai, vision soch aata hai. Asal mein leader ki taraf se aati hai. So why Pakistan was made, why ka answer wo leader ne, aur ye sabse mushkil kaam hota hai. Bilkul, लोगों को कन्विंस करना उसके ऊपर। ब्रो आप सर में देखिए, खंदक के मौके पे जब आपने आके वो पत्थर ही टूट रहा था, आपने आके मारा उसको और आपने कहा रोम फतह हो गया, दोबारा मारा कहा पोर्शे फतह हो गया, दोबारा मारा कहा शाम फतह हो गया, यानी आपने ये नहीं कहा कि इसको मार के हम स्ट्रेटजी, ही वॉज टॉकिंग अबाउट विजन, राइट। तो जिसमें विजन की जब बात की जाती है ना, तब इंसान में इतना करज आता है। इवन ब्रो वाईसी का जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, If we just talk about कि आपने कुर्सियाँ लगानी है, आपने benefits लगाना है, आपने, तो people will not be having that motivation. हम अगर बात करें, imagine thousands of people coming and changing their lifestyles. वो दीन पे आ जाएं, तुम सब को अजर जाएगा उसका. अल्लाह के मैंने कहा मनसाला का तरीके जलता भी सफी एलबन, तुम सब उस हदी के मिस्ताक में हो. और यू नो जब ये बात की जाए ना, तो people यू नो दे विल वेक अप ऑन संडे मॉर्निंग एंड जम्प आउट ऑफ द बेड। इवन सिम्सोनियन म्यूजियम का क्लीनर था, यानी उन्होंने बड़ा विजन पे काम किया होता है, एंड यूज टू सेंड यू नो सैटेलाइट्स टू द मून एंड मिशन भेजते थे। तो उन्होंने पूछा कि उस क्लीनर से कि व्हाट डू यू व्हाई डू वर्क हियर, तो उसने नहीं कहा मैं तनख्वाह के लिए सैलरी के लिए, कहता आई एम अ पार्ट ऑफ टीम विच सेंड्स सैटेलाइट्स टू द मून। This is what he said, right? So he was so inclined with the vision. A leader always values people. People. Not things. Not things. And leader is always lonely as well. Sheikh, yani, इसलिए लीडर को ना अच्छा कनेक्शन अल्लाह ताला से बनाना बड़ा जरूरी है। अल्टीमेटली आप अकेले रह जाते हो, अल्टीमेटली लोग जो है ना तिधर बितर हो जाते हैं। आपका जो है ना, कभी आप अच्छे डिसीजन लेते हो तो लोग अपने पे क्रेडिट लेते हैं, और कभी आपसे गलत डिसीजन ले जाए सबसे पहले उसको ब्लेम करने के लिए। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि लीडर जो है वो जो उसके जो रॉन्ग्स होते हैं, सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सारे लीडर के होते हैं। हाँ। और सारे जो क्रेडिट्स होते हैं वो सारे जो है डूअर्स के होते हैं। हाँ। तो ये और ये नेचुरल है, और मैं समझता हूँ कि इसको यही मैं समझता हूँ कि एक लीडर को ये समझना चाहिए कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स है ना, उनकी सक्सेस बेसिकली उसकी सक्सेस है। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों के सामने शायद नजर नहीं आ रही होती, लेकिन एक ना यानी एक असल लीडर होता है ना, उसको ये नजर आ रहा होता है कि ये अल्लाह ने ये मेरी सुपरविजन के अंदर ये काम करवाया। और लोगों की खुशी के लिए ना फिर अपने फैसले भी चेंज नहीं करता। यानी ये नहीं कि अच्छा लोग इसमें खुश होंगे, लोग ज्यादा मेजोरिटी अगर ये कह रही है तो एक दो बंदे वो कहे तो मैं मेजोरिटी के डिसीजन। अ लीडर हैज द करेज टू गो अगेंस्ट द मेजोरिटी। आप देखते हैं वो सुलह हुदैबिया पे अक्सर सहाबा खिलाफ है, उमर इब्ने खताब भी खिलाफ है कि मैं नहीं मानता इन बातों को, नहीं अल्लाह के नबी विजनरी हैं, आपको पता है। ठीक है, और आप देख लें सब सहाबा कह रहे हैं, वो जो कबीला बनू मखजूम की फातिमा थी कि थोड़े से माफ कर दें, कोई माफ कर दें गलती थी, हो गई गलती। उसामा बिन ज़ैद आए सिफारिश के लिए, तो उन्होंने कहा कि यानी ही हैड द करेज टू टेक डिसीजन अगेंस्ट ऑल द सहाबा। सहाबा ने भेजा था सिफारिश करके, हालांकि ये सहाबा वो हैं जिन्होंने अंसार और मुहाजिरीन अपनी बीवियां छोड़ के आए हैं, बच्चे छोड़ के आए हैं, तो अब तो कॉम्प्रोमाइज कर लें। नहीं, अल्लाह ताला की हुदूद में ना कभी भी इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस नहीं होता ये इन चीज़ों से। Exactly. अनलेस जब सच्चाई का मामला हो तो वो फिर दूसरी यानी अपने इवन फैमिलीज अगर वो खिलाफ हो उसके बावजूद वो उसे इन्फ्लुएंस नहीं होता।